मेरा सवाल है कि मेरी बहन है, नाम उसका नफीसा है। घर के मतलब वो बहुत जरा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। मतलब उसको ऐसा लगता है सारा दिन काम तो करती है, सफाई तो बहुत करती है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैंने सफाई नहीं की, मैंने ये नहीं धोई, मैंने ये नहीं धोई। बार 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 हर चीज धो 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 के लेती, बार बार काम वाले बर्तन धोती है फिर भी वो धोती है। शोहर बाहर से आया, शक इतना शक करती है, इतना शक करती है। शोहर बाहर से आता है, तुम इसको हाथ मत लगाओ, मेरे बिस्तर बैठो मत, मेरे चेयर पे बैठो मत, तुम हाथ नहीं धोए, तुम ये नहीं धोए। ऐसा पहले थी नहीं हो, लेकिन उसको अब ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपसे पूछने का है। बहुत परेशान है, बहुत। जी से हासिल देखिए, जी इस तरह का सवाल पहले भी आ चुका है मेरे ख्याल से एक से शायद बार, और इसका जी जवाब हम वहां पे तफसील से हमने इस पर बात की है। ये जो मसला आप बता रही हैं, इसको वसवसा कहा जाता है। हाँ इसका पहला इलाज तो ये है कि कोई भी इंसान जिसके अंदर इस तरह से वसवसा आता हो, फालतू ख्याल आते हो, उस आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो है पनाह मांगनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इस्तेआज़ा पढ़ना चाहिए, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वसवसा शैतान की जानिब से होता है, तो ऐसा हाँ इंसान ज्यादा से ज्यादा इस्तेआज़ा पढ़े, वो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर, जब भी वसवसा आए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़ी व नफ़थी व नफ़थी, या जो भी इस्तेआज़े के सेरे हैं वो इस्तेआज़ा पढ़े। इसके अलावा कुरान के अंदर जो सूरतें हैं, मुअव्वज़ात हैं, कुल औज़ु बिरब्बिन हाँ नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलाक, कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरतें पढ़े वो कसरत के साथ। इसके अलावा कसरत के साथ वो दुआ करे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उसे इस बीमारी है, असलन बीमारी है, अल्लाह ताला इस नफ्सियाती बीमारी से उसको निजात दे, ये बीमारी है। हाँ आखिरी बात ये कि ऐसा इंसान अपना इलाज खुद ही कर सकता है, उसका इलाज कोई दूसरा नहीं कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक और उसकी मदद, उसके फजल के बाद वो आदमी अपना इलाज खुद ही कर सकता है। किसी भी वसवसे को दूर करने का सिर्फ यही तरीका है कि वो आदमी ये समझे कि ये वसवसा आया ही नहीं है। अगर कोई चीज उसके दिमाग में बार बार आ रही है तो उसको करादम माने, गोया कि वो है ही नहीं, उसका सिर्फ यही इलाज है। और ये बहुत खतरनाक किस्म की बीमारी है। अगर इतनी खतरनाक बीमारी ना होती तो हमारी शरीयत में बार बार इसके सिलसिले में हिदायत क्यों दी जाती कि वसवसे से अल्लाह ताला की पनाह मांगो। कुरान के अंदर बाकायदा इसके बारे में आयतें नाजिल हुई कि वसवसे से अल्लाह की पनाह मांगो। ये एक नफ्सियाती बीमारी है, हम सबको अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इसमें मुब्तला ना करे। जो लोग मुब्तला हैं अल्लाह ताला उनको निजात दे, और ऐसे इंसान को दुआ करना चाहिए, इस्तिगफार करना चाहिए, इस्तेआज़ा वाली दुआएं इस्तीफार तो खासतौर से बहुत करनी करती है चाहिए। माशाल्लाह। मैं उसको इस्तीफार का बहुत बोली, मौजदतन भी करती देखिए है, फलक नाश आप जो कंटिन्यू है करती है। ठीक, असल आप में दुआएं शेख करें। बसा औकात बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो वजू कर रहे हैं और हाथ ही धुलते रहते हैं, हाथ धुल रहे हाँ हैं, ऐसा ही मुंह धुल करती है, रहे हैं, वैसा वो ही करती धुलते है, रहते हैं। ऐसा मैं बहुत हाथ सारे धोई लोग के नहीं, मुंह करते धोई हैं, के नहीं, ऐसा ऐसा। इलाज बता रहे हैं। बिल्कुल मुल्ला जी आपको इलाज बता रहे हैं। ऐसे लोगों को सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि ये जो काम मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, इसके बारे में अल्लाह ताला क्या कहता है या हमारी हमारा दीन क्या कहता है। सबसे पहले उन्हें ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इसे मना किया हो। उस चीज को, उस ख्याल को, उस फिक्र को दिमाग से झटक दीजिए, खत्म कीजिए उसको। और पहले आप तस्लीम कीजिए कि मैं बीमार हूं, पहले ये तस्लीम कीजिए कि मैं बीमार हूं, तभी आप उस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी नमाज में खड़ा हुआ, उसने तकबीरे तहरीमा बोला, अल्लाह हू अकबर, नियत बांध लिया, नमाज शुरू किया, अचानक उसको ख्याल आया कि यार मैंने तकबीर बोला है कि नहीं बोला है। उसको रोजाना ऐसे होता है। ऐसे आदमी का इलाज ये है कि चाहे जितना ख्याल आए वो कतान अपनी नमाज ना तोड़े और कंटिन्यू करे, जैसा ख्याल आए उसके उल्टा करे, उसको जब भी वसवसा आए उसके उल्टा करे, नहीं मैं नहीं करूंगा। अगर उसको शक हो जाए कि मैंने वजू बनाया है कि नहीं बनाया है, उसको उसकी तरफ ध्यान ही ना दे, मैंने बनाया है या नहीं बनाया है, अब मैं नहीं बनाऊंगा, अब मैं ऐसे ही नमाज पढ़ूंगा, उसका यही इलाज है। हाँ हाँ और ये सही इलाज वो सही आदमी खुद ही कर सकता है।
कोई दूसरा आदमी उसको सिर्फ समझा सकता है, उसको उसको समझना चाहिए कि ये दीन का मसला है, ये जो वसवसा आ रहा है ये बीमारी है, शैतान की जानिब से है और इसका इलाज मुझे खुद करना है। उस अगर ख्याल आए, वसवसा आए, तो समझो वो हुआ हुआ ही नहीं है,